बताइए सीखना क्या है? इतना प्रॉपर समझाया गया इसके बाद भी, बताइए याद करके। सीखना क्या है? आदत, ज्ञान और अभिवृत्ति का अर्जन। पिछले लेक्चर में हमने ये पढ़ा था कि सीखना क्या है, किसने इसको किसने इसको डिफाइन किया है, और इसके बाद हमने ये देखा था कि सीखना की क्या विशेषता है। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि सीखने की विधियाँ, प्रभावशाली विधियाँ, बहुत सारी विधियाँ हैं जिसके द्वारा जो है प्रभावशाली लर्निंग हो सकती है। क्या इफेक्टिव लर्निंग? इफेक्टिव लर्निंग कुछ ऐसी विधियाँ दी गई हैं या मनोवैज्ञानिकों द्वारा सुझाई गई हैं जिनसे बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली विधियों का प्रयोग करके हम लर्निंग को और ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। जैसे आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो चाइल्ड सेंटर एजुकेशन पे बेस्ड है, आप सभी लोग जान रहे हैं, बाल केंद्रित शिक्षा है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन है। इसमें क्या है, बालक ही मेन है, बालक को ही फोकस करके उसके कैरिकुलम, उसके जो है सिलेबस, उसका कंटेंट, सबको जो तैयार किया जाता है वो बालक के ही ऊपर जो है पूरा बेसिकली बेस्ड है। लेकिन पहले क्या था, पहले आपने वैदिक शिक्षा में पढ़ा होगा कि वहाँ गुरु मेन होता था, वो जो भी आपको धर्म की बातें बताते थे, इसके बाद श्लोक वगैरह सब पढ़ाते थे, वो पूरा जो है टीचर पे बेस्ड होता था, वहाँ क्या होती थी, शिक्षक केंद्रीय शिक्षा दी जाती थी। लेकिन प्रेजेंट टाइम में सबसे पहले जो यशपाल समिति ने 1902 में यशपाल समिति ने ये बताया कि सॉरी 92 में जो है यशपाल जी ने बताया कि बस्ते का बोझ वो बच्चे से क्या कम किया जाए, क्योंकि देखा जाता है कि बच्चे जो हैं, अभी आपका नया कानून बना है उसमें क्या दिखाया गया है कि अगर बच्चा जो है छोटा है तो 1.5 किलो और 2 किलो इस हिसाब से उसकी बैग का जो होना वजन होना चाहिए। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, बच्चे बहुत सारी कॉपी बुक्स लेके जाते थे, 7-8 पीरियड चल रहा है तो उन सारे पीरियड्स का बुक और कॉपी लेके जाते थे, पढ़ाई तो बहुत कम गेन करते थे क्योंकि इतना लेके जाते वक्त वो थक जाते थे, थकान महसूस होने लगता है स्कूल पहुँचते, जब बच्चा फ्रेश माइंड से स्कूल पहुँचता है और तब वो ज़्यादा सीखेगा या फिर थक के जाएगा तब ज़्यादा सीखेगा, जब फ्रेश माइंड से जाएगा। जब बच्चे का बोझ इतना जो है बस्ते का बोझ दे दिया जाएगा तो स्कूल पहुँचते पहुँचते बिल्कुल थक जाएगा और पहले ही पीरियड में वो क्या थकान का महसूस करेगा और जहाँ थकान होता है वहाँ क्या काम करने की इच्छा शक्ति थोड़ी कम हो जाती है और जब इच्छा शक्ति कम होगी तो सीखना भी प्रॉपर वे में नहीं हो पाएगा, सीखने में भी हम क्या देखेंगे, कमी देखेंगे। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो सीखने को भी प्रभावित करते हैं, उनकी सीखने की गति को क्या करते हैं, कम करते हैं, उसमें आपके वातावरण भी आता है, इससे रुचि आती है, थकान आता है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य आता है। तो ये सारी बातें हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि सीखने की प्रभावशाली विधियाँ। ये जो 1992 में आपका आया था यशपाल समिति ने जो दिया था, इसके बाद आपका आया एनसीईआरटी 2005, उसमें भी इस चीज़ का जिक्र किया गया कि बालक को जो है जो भी शिक्षा दी जाए वो उनके जो है व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई हो और वो बालक को केंद्र मानते हुए जो है उनकी शिक्षा या उनका जो है किताबों का मुद्रण और प्रकाशन करवाया जाए। इससे पहले क्या था कि जितने भी शैक्षिक विद्वान होते थे और जो पढ़े बहुत प्रोफेसर्स होते थे वो सारे क्या करते थे, उनका कंटेंट बनाते थे कि बच्चे को इतना पढ़ना है इस साल में, इतना इतना लर्न करना है, इतना सिखाना है, इसका सिलेबस इतना होगा। लेकिन बाद में क्या हुआ कि एनसीएफ ने ये चीज़ क्लियर किया कि बच्चे को केंद्र मान के कि उसको कितना, मतलब इस एज में उसे कितनी चीज़ें पढ़नी चाहिए, कितना उसका मानसिक स्तर है और कितना इसका कैरिकुलर एक्टिविटीज़ में रखना चाहिए, खेल कूद, आप अभी पाठ्यचर्या सुने होंगे ना,
पाठ्यचर्या और सिलेबस एंड कैरिकुलम में क्या अंतर है बताइए? पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या इसमें क्या है, पाठ्यक्रम में सिर्फ आपका कंटेंट आता है आपको क्या पढ़ना है, और पाठ्यचर्या में आपका जो अदर कैलू जो एक्टिविटीज़ आती हैं, जो अदर क्रियाकलाप जो स्कूल में करवाए जाते हैं, देखते हैं ना बालक को कि स्कूल में जा रहा है, आपके प्रेयर हो रहे हैं, गेम हो रहे हैं और सारी चीज़ें हो रही है पढ़ाई के साथ साथ, उसमें जितने भी अदर कार्यक्रम सम्मिलित किए जाते हैं वो सारी चीज़ें क्या आती हैं, पाठ्यचर्या के अंतर्गत आती हैं। और पाठ्यक्रम आपका सिलेबस होता है, उसमें क्या पढ़ना है और इसे कितने जो है टाइम में हमें ये क्या करना है, अर्न करना है या यहाँ तक पहुँचना है। आइए देखते हैं इसकी विशेषता। सीखने की प्रभावशाली, विधियां, करके सीखना, अनुकरण से सीखना, निरीक्षण से सीखना, समूह चर्चा से सीखना, वाद विवाद, प्रश्नोत्तर, समूह अधिगम, या ग्रुप लर्निंग, ये सारी कुछ जो है प्रभावशाली विधियां हैं जिनके द्वारा जो है बच्चा बहुत उचित ढंग से सीख सकता है प्रॉपर वे से। अब देखिए सबसे पहला आप क्या है, करके सीखना। एक चीज़ होती है जब आप बताएंगे उससे वो सीखा, वो अलग चीज़ है। अगर बच्चे को कोई कार्य कर दिया जाए, दे दिया जाए कि ये आपको करना है, तो वो क्या करेगा, उसके बारे में सबसे पहले योजना करेगा, फिर सोचेगा कि इसको कैसे करना है, उसको पूर्ण करने के लिए वो क्या करेगा, प्रयास करेगा, बहुत सारे प्रयास करेगा और कार्य में सफल भी होगा और कार्य में सफल भी नहीं हो सकता। अगर सफल होता है तो ठीक है, नहीं होता तो इसके बाद वो ये विचार करेगा कि मैंने क्या गलतियाँ कर दी, इसके बाद उस गलतियों को सुधार करेगा और ये उससे क्या करेगा, वो सीख लेगा। करने के बाद किसी कार्य को वो सीख लेगा, उससे क्या सीख लेगा कि इस तरीके से काम करेंगे तो अच्छा होगा, या फिर इस तरीके से मैंने काम किया तो गलत हो गया, तो इसको क्या करना चाहिए और मॉडिफाई करना चाहिए और प्रॉपर वे में करना चाहिए। तो जो बालक जो है करके सीखेगा वो क्या होगा, स्थायी होगा, उससे उसको बहुत सारी एक्सपीरियंस अनुभव मिलेगा, है ना। ये विधि जो है सबसे लाभकारी होती है, करके सीखना। स्वयं बालक जब करेगा तो उसे क्या करेगा, उसे डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिलेगा, और जो डायरेक्ट एक्सपीरियंस होता है वो क्या होता है, चीर स्थायी होता है, है ना। और आपका दूसरा है अनुकरण द्वारा सीखना। जैसा कि आप जानते हैं बाल्य अवस्था में बालक क्या करता है, दूसरों की नकल करता है, उनका अनुसरण करता है और क्या करता है, उनके व्यवहार का अनुकरण करता है, उनको देख के कुछ सीखता है। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं, कोई कुछ ड्राइंग कर रहा है, अगर उनके घर में कोई उनके दीदी बहन कोई जो है ड्राइंग कर रहा है तो उसको देख के उसके मन में भी क्या आएगा, पेंटिंग करें, और उसको देख के वो जो पेंटिंग उसके अंदर जो इंटरेस्ट हुआ करने के प्रति वो क्या कहलाएगा, अनुकरण द्वारा सीखना। और ये भी जो अनुकरण द्वारा सीखना ये विधि भी बहुत प्रभावशाली है, क्योंकि बच्चा जो है इसमें क्या होता है, सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, वो उसकी जो विल पावर होती है वो इसमें ज़्यादा होती है कि वो क्या होता है, अपने आप से वो क्या होता है, प्रेरित होता है।
अपने आप से प्रेरित होता है, और जब आप अपने आप से प्रेरित होते हैं तो हमेशा क्या कर चाहते हैं कि हम इस चीज़ में सफल हो जाए। तो सेम चीज़ बच्चे के साथ भी होता है, वो क्या करता है स्व प्रेरित होता है और अनुकरण द्वारा बहुत सारी चीज़ें सीखता है। क्लियर। और फिर आपका तीसरा निरीक्षण द्वारा सीखना। निरीक्षण द्वारा अगर जैसे ये बहुत प्रभावशाली विधि है विज्ञान या इतिहास में, इसका प्रयोग किया जाता है। अब जैसे आपको कोई इमारत दिखाना है, कोई मॉन्यूमेंट्स दिखाना है, हिस्टोरिकल प्लेस दिखाना है, तो आप बालक को क्लास में बता दीजिए कि हाँ हम इस विषय के बारे में चर्चा करेंगे या हम आपको ये दिखाएंगे, तो बालक के अंदर ये क्या इंटरेस्ट बना रहता है कि कल हम वहाँ उस जगह पे जाएंगे। आप लोग देखते होंगे कि बालक जो है बहुत एक्साइटेड होते हैं ये घूमने के लिए, नई जगह जाने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए। तो आप अगर पहले से बताएंगे कि हाँ हमको ये जाना है, यहाँ हमें उसका निरीक्षण करना है, सुपरविज़न करना है, तो बालक बहुत एक्साइटेड होंगे और वो उस चीज़ को बहुत ही तल्लीनता से लेंगे, उनमें कीन इंटरेस्ट होगा और वो उस चीज़ को जाके जब वहाँ उस चीज़ पे प्लेस पे पहुँचेंगे तो वहाँ की हर चीज़ें जो है बहुत ही सूक्ष्मता से उसका अध्ययन करेंगे। और जब सूक्ष्मता से जो अध्ययन किया जाता है वो भी क्या होता है, चीर स्थायी होता है। तो ये भी एक बहुत ही प्रभावशाली विधि है और ये जो है इतिहास, भूगोल, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है ना। ये सारी विधियाँ जो है विद्वानों द्वारा यूज़ की गई है और ये क्या है, भली भांति जांची परखी गई है ना। और ये आपका समूह चर्चा है। जैसा कि देखते हैं क्लास में जो है अफेक्टिव लर्निंग कब होती है, जब आप देखते हैं कि गेम करवा दिए, गेम भी क्या किस पे होना चाहिए, लर्निंग पे डिपेंड होना चाहिए, चाहे वो आपका वर्ड मीनिंग हो, चाहे क्वेश्चन आंसर हो। आप पूरे क्लास को दो ग्रुप में डिवाइड करेंगे, तब एक ग्रुप को कह देंगे एक साइड ए रखिए, दूसरे को बी रखिए, और उनमें क्या करवा दिया आपने, किसी प्रॉपर टॉपिक पे, किसी एक विषय पे आपने क्या वाद विवाद करवा दिया। तो कुछ आप अपने थॉट्स देंगे, कुछ वो थॉट्स देंगे, इससे क्या होगा, नॉलेज गेन करेंगे, इससे क्या होगा, ज्ञान का विस्तार होगा। जहाँ तक आप नहीं सोच रहे हैं वहाँ तक अगला सोच रहा है, जहाँ तक आप अगला पहुँच रहा है आप वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों से क्या होता है, आपस में ज्ञान का वर्धन होता है। और दूसरा है प्रश्नोत्तर विधि। प्रश्नोत्तर विधि भी बहुत सुकरात द्वारा दी गई है और ये बहुत ही पुरानी और प्रचलित विधि है, और इस विधि से बहुत सारे जो है लर्निंग, ये क्या होता है, प्रश्नोत्तर विधि से आपका प्रश्नों से ही उत्तर निकलता है और उत्तर से ही प्रश्न बनते हैं, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग विधि है। इससे जो है बालक बहुत ही जल्दी सीखता है। क्या सीखता है, जैसे आप प्रश्नोत्तर कर रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप किताब से पढ़ रहे हैं लगातार, वो आपके दिमाग में नहीं बैठ रहा है, लेकिन क्लास में अगर ये ग्रुप लर्निंग हो रही है तो आप क्या समूह चर्चा हो रही, तो उससे आप बहुत सारी चीज़ें क्या बहुत आसानी से सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और आपका अगला है समूह अधिगम। समूह अधिगम में क्या होता है कि बालक जैसे खेल विधि द्वारा ये सीखते हैं, एक समूह में बालकों को कर दिया जाए और समूह में और उनको कोई कार्य कर दिया जाए, उससे क्या करते हैं उन लोग आपस में खेल द्वारा बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। समूह अधिगम की विशेषता ये होती है, ये सबसे जो है इफेक्टिव है, लर्निंग है। इसमें क्या होता है, एक तो समूह का निर्माण करते हैं, उनमें सामाजिकता का विकास आता है, नैतिकता की भावना आती है, और एक क्या परस्पर प्रेम की भावना भी जागृत होती है, एक दूसरे में जो है मदद की भावना आती है। दूसरी बात यह है कि इसी लर्निंग में जो है एक तो समूह की भावना आई, सामाजिकता आई, और दूसरा इसी लर्निंग में क्या आता है, आपकी जेलसी की भावना। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे लोग कहते हैं ग्रुप में दे दिया गया तो वो कह रहे हैं वो लीड कर रहे हैं, वो ज़्यादा अपना यूज़ कर रहे हैं दिमाग, हमें थोड़ा कम मौका मिल रहा है, ये सारी बातें आती हैं। तो आप में क्या होता है, लर्निंग की जो कैपेबिलिटी है वो थोड़ी ऊपर लेवल तक जाती है। आप क्या सोचते हैं कि थोड़ा हम और इनसे ज़्यादा बेटर करें, और इसमें जो है क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा सीख लेते हैं, बहुत ज़्यादा आपको सीखने को मिलता है ना। तो इस प्रकार की लर्निंग जो है बहुत ज़्यादा अफेक्टिव होती है। देखना ये जो करके सीखना है ये बहुत पुरानी विधि है, उससे भी पुरानी क्या है, प्रश्नोत्तर विधि है। और एक आप देखते होंगे सेमिनार वगैरह, आपने नाम सुना होगा सेमिनार, गोष्ठी, ये सब भी जो है ये बहुत ही प्रचलित विधियाँ हैं। इसमें क्या करते हैं, बहुत एक ही विषय के विद्वान वहाँ मौजूद होते हैं और उस विषय पे वो चर्चा करते हैं, उनसे क्या होता है नॉलेज इनहेंस होता रहता है, उनका ज्ञान वर्धन होता है। इसमें इस सेमिनार गोष्ठी वगैरह में स्टूडेंट भी शामिल होते हैं, टीचर भी शामिल होते हैं, जो उस किसी विषय पर वार्तालाप करते हैं, उस वार्तालाप से क्या होता है बच्चों को भी लाभ होता है और टीचर भी क्या करते हैं अपने ज्ञान का वर्धन करते हैं। इज इट क्लियर, इतनी बात समझ में आई कि देखिए सीखने की प्रभावशाली विधियों में सबसे पहले आता है करके सीखना। बालक क्या करता है, सबसे पहले
खुद करता है उसके द्वारा सीखता है तो वो क्या होता है, चिरस्थायी होता है। और एक बार जब बालक कोई चीज़ सीखता है, वो बचपन से आप जानते हैं कि सीखना ऐसी क्रिया है जो जन्म के पश्चात से ही शुरू हो जाती है। जैसे एक चीज़ होती है कि जो आपके नित्य कार्य हैं, दैनिक क्रियाएं हैं, वो बालक नहीं सीखता, वो सीखने के अंतर्गत नहीं आता। जैसे खाना पीना रोना, ये सारी चीज़ सीखता नहीं, ये क्या होती हैं, ये जो है आपके इंस्टेक्ट पावर्स होते हैं, ये क्या अंतर्निहित होती हैं। इसमें जो है ये सीखने की ज़रूरत नहीं होती, ये स्वतः हो जाता है। ये आप देखिए जैसे गाय जानवर वगैरह में क्या होता है, उनके बच्चे को सिखाना नहीं पड़ता, जन्म लेते ही वो चलना पीना सीख जाते हैं। मनुष्यों में भी क्या होता है, बच्चा जन्म लेते ही रोना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें उसकी क्या है, अंतर्निहित उनके ट्रेट्स हैं, उनके गुण हैं जो सीखना नहीं पड़ता। लेकिन कुछ गुण क्या होते हैं, अर्जन करने पड़ते हैं, और वही गुण जो अर्जन करने पड़ते हैं वो किसके द्वारा किए जाते हैं, सीख के। और सीखने के लिए हमें किन किन विधियों का प्रयोग किया जाता है, करके सीखना, अनुकरण से सीखना, निरीक्षण से सीखना, समूह से सीखना, वाद विवाद अधिगम, और एक चीज़ अनुभव द्वारा। एक तो प्रयोग द्वारा भी सीखना होता है, प्रयोग द्वारा सीखना क्या हुआ, निरीक्षण द्वारा सीखना। निरीक्षण द्वारा सीखना क्या हुआ, भूगोल में सबसे ज़्यादा होता है। किसी प्लेस का आप क्या कर रहे हैं, सुपरविजन कर रहे हैं, उसका निरीक्षण कर रहे हैं, और उससे जो आपका नॉलेज हुआ। जैसे आप गए किला देखने, गए आपने वहाँ देखा कि ये कितना जो है, यहाँ का कितने भव्य पत्थरों का प्रयोग किया गया है, और बिना सीमेंट के भी वो क्या है, एक दूसरे से बहुत ही जुड़े हुए हैं, और बहुत उनका बनाने का तरीका बहुत अच्छा है, इतना बड़ा किला, इतना बड़ा दरवाज़ा। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, निरीक्षण से आपने क्या देखा कि उस समय कोई ऐसी टेक्नोलॉजी रही होगी, उस समय ऐसा विज्ञान रहा होगा जिसने इतना बढ़िया जो है कलाकृति का निर्माण किया, या इतने बड़े मॉन्यूमेंट्स का, इमारत का निर्माण किया, है ना। पहले जो है, पहले की बुद्धि हम लोगों की अपेक्षा ज़्यादा स्ट्रांग होती थी। समझ में आया निरीक्षण विधि, सबसे ज़्यादा ये भूगोल या इतिहास में यूज़ होता है। और ये आपका प्रयोग द्वारा सीखना या प्रयोग विधि क्या होती है, ये सबसे ज़्यादा आपका विज्ञान में यूज़ होता है। देखे रहे, केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है, फिजिक्स का प्रैक्टिकल होता है, तो आप क्या करते हैं, प्रयोग करके सीखते हैं। प्रयोग करने में इससे मतलब आप एसिड का एनालिसिस कर रहे हैं, बेस का एनालिसिस कर रहे हैं, या किसी का मेजरमेंट कर रहे हैं, वर्नियर कैलिपर से आप उसका लीस्ट काउंट निकाल रहे हैं, स्केल का लीस्ट काउंट निकाल रहे हैं, ये सारे आप किससे के द्वारा कर रहे हैं, प्रयोग द्वारा कर रहे हैं। तो ये भी जो प्रयोग करवाए जाते हैं आपको, जो शुरू से ही जो है लैब लगा दिया गया है, इंटर हाई स्कूल तक लैब ज़रूरी है, तो उसमें आप क्या बहुत सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट देखते हैं और उसका यूज़ करते हैं। और बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ इनका लैब नहीं, मतलब लैब की व्यवस्था नहीं है, तो वहाँ के बालक उतना नहीं अच्छे से जानते जितना कि लैब करता हुआ बालक जानता है कि नहीं। सारे बच्चे जो है इंटर पास हैं, हाई स्कूल पास हैं, लेकिन अभी वर्नियर कैलिपर्स या उसके जो है लीस्ट काउंट पूछ दिया जाए, या फिर पूछ दिया जाए आकार क्या है, कोई बता नहीं पाएगा। कैसे नहीं बता पाएगा, जब तक आप प्रयोग नहीं किए होंगे, देखे नहीं होंगे, निरीक्षण नहीं किए होंगे, प्रयोग नहीं किए होंगे, तो आपको पता नहीं होगा कि ये है क्या और इसका लीस्ट काउंट क्या है, है ना। तो प्रयोग विधि द्वारा जो सीखा जाता है ये भी बहुत कारीगर विधि में आता है। और आपको क्या बता रहे थे, सेमिनार गोष्ठी, इसमें भी बहुत सारे विद्वान, बहुत सारे बच्चे जो है क्या करते हैं, किसी एक विषय पे जो है चर्चा करते हैं और उसके प्रति अपने ज्ञान का वर्धन करते हैं। इन सारे विधियों का प्रयोग करके हम सीखने को और अच्छे तरीके से, उचित तरीके से हम किसी चीज़ को सीख सकते हैं। और बालक को सिखाने में सबसे ज़्यादा सहायक होता है करके सीखना या अनुकरण द्वारा सीखना। ये सारी विधियाँ जो है इम्पॉर्टेंट ही हैं, ये नहीं है कि ये सीखना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, समूह चर्चा कम, या फिर अनुकरण ज़्यादा है, निरीक्षण कम। सारी विधियों का एक प्रॉपर जगह जहाँ पे यूज़ है, वो उस जगह पे क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग जानते हैं ना कि पृथ्वी पे जितने चीज़ हैं उन सबका एक प्रॉपर प्लेस है, और अपने उस प्लेस पे वो क्या, अपना इम्पोर्टेंस रखते हैं। सब हर चीज़ों का क्या है, एक महत्वपूर्ण स्थान है कि नहीं। हर चीज़ों का आप प्रयोग विधि आप जो है गणित में तो नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, और या फिर गणित में अनुकरण से तो नहीं सीख सकते। गणित में सीखने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, प्रयास की ज़रूरत होती है। जितना बार आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे, उसमें आप किसी का नकल करके आप नहीं कर सकते।
और ऐसी मतलब किसी भी विधि को किसी में आप सम्मिलित नहीं कर सकते या फिर एक कोई विधि किसी से अलग भी नहीं कर सकते। अगर आप प्रयोग कर रहे हैं तो पहले निरीक्षण करेंगे ही, और निरीक्षण कर रहे हैं तो करके सीखना भी उसमें आ ही रहा है। प्रयोग कर रहे हैं तो खुद सम्मिलित हैं, बालक वहाँ पर खुद इन्वॉल्व हैं। इसमें क्या टीचर क्या करता है, बस एक सुपरवाइज़र की तरह होता है। और ये जितनी भी विधियाँ हैं ये सारी क्या हैं, बाल केंद्रित विधियाँ हैं। बालक इसमें बहुत ही उचित ढंग से किसी चीज़ को सीख सकता है। क्लियर? अब देखिए इसमें कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, जो न समझ में आया हो पूछ सकते हैं। क्या सेमिनार? सेमिनार क्या होता है? गोष्ठी होती है। जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे जो है स्कूलों में जो है सेमिनार की व्यवस्था की जाती है, उसमें क्या करते हैं बच्चों को सम्मिलित करते हैं और कहीं उस मतलब किसी कोई टॉपिक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मैथमेटिक्स पे कोई टॉपिक है रियल नंबर। रियल नंबर क्या हो गया? प्राकृतिक संख्या हो गई। प्राकृतिक संख्या क्या? वास्तविक संख्या, वो नेचुरल नंबर। वास्तविक संख्या को क्या किया, इस टॉपिक को ले लिया और इस पर क्या एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर दिया, जिसके इस टॉपिक पे अलग अलग लोग अपना अलग अलग व्यू लेके आते हैं, दृष्टिकोण लेके आते हैं और उस पर क्या करते हैं समूह चर्चा करते हैं। एक दूसरे के प्रति भी बोलते हैं, मतलब अगेंस्ट भी बोलते हैं और एक दूसरे का वो भी सम्मान भी करते हैं। और उसमें क्या इस विधि द्वारा जो है एक दूसरे को सुनने का क्या और सहन शक्ति का विकास होता है, क्योंकि आप जब वहाँ बैठते हैं तो आप किसी का विरोध कर रहे हैं तो आप लड़ाई थोड़ी करेंगे, आप क्या बताएंगे कि नहीं ये चीज़ यहाँ पे गलत है, ऐसा होना चाहिए, या फिर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, हमारा दृष्टिकोण इसके प्रति ये है, आप ये रख रहे हैं। तो इससे क्या होता है सहनशीलता का विकास होता है। और ये भी बहुत ही प्रभावशाली विधि है सेमिनार, इसमें बहुत सारी जानकारी आपको मिल जाती है, क्योंकि अलग अलग लोग अलग अलग टॉपिक से मतलब एक ही टॉपिक रियल नंबर पे ही वो अलग अलग चीज़ें बना के अपना लेके आते हैं डाटा कलेक्ट करके और उस पर क्या करते हैं समूह चर्चा करते हैं, है ना। एक प्रकार का ये समूह चर्चा हुआ, लेकिन इसमें क्या होता है स्पेशलिस्ट भी होते हैं, बच्चे भी होते हैं, वो एक दूसरे से क्या करते हैं ज्ञान का आदान प्रदान करते हैं। क्लियर? और कोई? अब देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत सारे ऐसे कारण हैं, कारक हैं जो क्या करते हैं अधिगम को प्रभावित करते हैं। जैसे आप बताइए बालक को सीखने में उनमें बाधा उत्पन्न करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं? चलिए वातावरण और बताए, वातावरण में परिवार भी आपका आ गया, वातावरण में आपका स्कूल आ गया, परिवार आ गया, हाँ इसी में समुदाय आ गया, समाज आ गया, कक्षा आ गया, वातावरण के अंतर्गत ये सारी चीज़ें आ गई आपकी। वातावरण जो आपका पूरा एटमॉस्फेयर है या एनवायरनमेंट है जहाँ बालक रह रहा है, वो चाहे आपका क्या आंतरिक वातावरण, आप
आंतरिक वातावरण या बाह्य वातावरण? आंतरिक वातावरण उसका क्या हो गया? उसका घर परिवार हो गया आंतरिक वातावरण, और बाह्य वातावरण क्या हो गया? उसका स्कूल, समुदाय, समाज, कक्षा, ये सारी चीजें उसकी क्या हो गई? बाह्य वातावरण के अंतर्गत आती हैं, और ये दोनों ही बालक पे इक्वल प्रभाव डालते हैं। इक्वल कहने का मतलब समान, समान प्रभाव इसलिए डालते हैं क्योंकि अगर परिवार का वातावरण अच्छा नहीं है तो बालक का उचित ढंग से पालन पोषण नहीं हो पाएगा। और कक्षा का वातावरण बाह्य वातावरण से क्या, अगर प्रॉपर लाइट की व्यवस्था नहीं है, प्रॉपर ब्लैक बोर्ड नहीं है, सफाई नहीं है, सीट नहीं है, तो ये सारी चीज़ें भी बालक के सीखने में क्या बाधा पहुँचाएंगी, है कि नहीं? अब स्कूल में बालक आया पढ़ने और जो है पहले देखा एक तो गंदगी है, किसी तरह साफ उफ करके बैठा तो उसे दिखाई नहीं दे रहा ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा है, या ब्लैक बोर्ड भी गंदा है, लाइट की व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात, बहुत सारे प्राथमिक विद्यालयों में अब तो कमरे हो गए हैं, नहीं तो बरसात में बालक जो है उनकी छुट्टी कर दी जाती थी क्योंकि प्रॉपर प्लेस नहीं था, प्रॉपर स्थान नहीं था जहाँ बच्चों को शिक्षा। अभी बिहार वगैरह में अभी क्या रेलवे ट्रैक पे बहुत सारे स्कूल चलते हैं, जैसे ट्रेन आती है बच्चे बैग लेके भागते हैं। तो ये जो है सरकार की कमी है, इसलिए जो है ये आपका जो वातावरण है या आंतरिक वातावरण है ये बच्चे के सीखने पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। बात समझ में आई? जो आपका घर परिवार है वो आपका आंतरिक प्रभाव, आंतरिक वातावरण है, और बाह्य वातावरण में आपका कक्षा, स्कूल, समुदाय आ गया। समुदाय में क्या है, अभी ये इस पर भी चर्चा हुआ था कि समुदाय क्या है, बालक का समुदाय जो उसके चारों तरफ रहने वाले उसके बालक हुए, आसपास के टीचर हुए, और ये सब जो उसके अगल बगल उसके हैं वही उसका क्या हुआ, समुदाय हुआ। और अगर वो अच्छे समुदाय में है, अच्छे ग्रुप में है, तो वो क्या उसका अच्छा विकास होगा। अगर गलत संगति में है, गलत समुदाय में है, तो उसका जो है विकास प्रभावित होगा, है ना? दूसरा पॉइंट आपका है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य भी एक कारक ऐसा है जो बालक के सीखने पे प्रभाव डालता है। स्वास्थ्य भी दो प्रकार के हो गए, एक आपका मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, और दूसरा शारीरिक। ये भी बालक के सीखने पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं क्योंकि अगर बालक का मानसिक स्वास्थ्य नहीं सही है तभी वो लर्निंग नहीं कर पाएगा, है कि नहीं? अगर आप जो है मानसिक रूप से बीमार हैं, या आपको कोई घर का, जैसे मान लीजिए बहुत सारे बच्चे हैं, आप देखेंगे गरीब घर के बच्चे हैं, उनको घर पे ये चिंता सता रही होती है कि अकेले जो है कैसे पढ़ाई हो पा रही, बच्चे हैं छोटे छोटे कौन देखेगा, माँ बाप काम पे गए हुए हैं, खेत में काम करने हैं। मैं गरीब बच्चों की जो प्रॉपर इंडिया की हालत है उसकी बात कर रही हूँ, जो बच्चे अमीर हैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ मैं। तो उसमें ये देखना होता है कि उनका मानसिक जो है इतना ज़्यादा उनको मानसिक स्ट्रेस रहता है कि वो उचित ढंग से सीख नहीं पाते क्योंकि उनका आधा दिमाग उनके घर पे लगा होता है कि घर पे क्या हो रहा है, क्या स्थिति होगी, या फिर भाई बहन छोटा है तो रो रहा होगा। बहुत सारे कंडीशन ऐसे आते हैं कि माँ बाप कहते हैं आप भाई को भी अपने साथ लेके जाइए, तो वहाँ भी क्या बालक का आधा दिमाग अपने भाई बहन पे लगा रहता है, तो उचित ढंग से वो पढ़ पाएगा, सीख पाएगा? बिल्कुल नहीं। तो वो क्या होता है, ये मानसिक स्वास्थ्य अगर बालक का सही नहीं है, प्रॉपर नहीं है, तो प्रॉपर रूप से वो सीख नहीं पाएगा, ये भी उसके सीखने पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव डालेगा। और दूसरा शारीरिक स्वास्थ्य, बॉडी में कहीं पेन है या फिर कोई हेडेक है, तो ये सारी चीज़ें क्या करेगा, वो भी बच्चे के अधिगम पे प्रभाव डालेगा। बात समझ में आ रही कि बालक का स्वास्थ्य क्या होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, वो चाहे मानसिक हो चाहे शारीरिक हो। शारीरिक रूप से बालक जो है स्वस्थ होना चाहिए, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए, तभी एक अच्छा प्रभावशाली अधिगम किया जा सकता है, है ना? और तीसरा आपका कारण है, स्वास्थ्य हो गया आपका। आप एक चीज़ देखते हैं कि बालक जो है उन मनोवृत्ति उनकी देखेंगे तो बहुत कोमल होता है, जो भी आप उनको सिखाते हैं वो बहुत जल्दी सीख जाते हैं। लेकिन अगर यही जो है उनके दिमाग में थकान रहे,
जैसा अभी मैंने आपको बस्ते की बोझ की बात की थी, थकान जिसे फैटेग यू कहते हैं, फैटेग, इसमें क्या होता है, अगर यही है कि बालक बहुत ही परिश्रम करके आ रहा है, बहुत सारे बालक ऐसे होते हैं जो घर पे काम कर रहे हैं और उनको स्कूल जाना है, लड़कियों को खासकर ज़्यादा काम करने पड़ते हैं स्कूल आने से पहले भी, स्कूल के बाद जाने के बाद भी, तो उनको क्या रहता है कि घर का काम जल्दी से निपटा ले, फिर जल्दी से स्कूल टाइम पे पहुंचना है कि नहीं, तो ये भी क्या करता है, एक प्रकार से मानसिक थकान होता है, शारीरिक थकान भी देखने को मिलता है। जब वो क्लास में आते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें भूल रहे हैं, छूट रहा है या फिर कर रहे हैं, फिर भी उनका दिमाग प्रॉपर रूप से पढ़ाई पे नहीं लग पाता, या तो फिर कहीं ना कहीं आप इंटरेस्ट जगा रहे हैं लेकिन आपको थकान कहीं ना कहीं परेशान कर रहा है, तो प्रॉपर रूप से आप पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो अधिगम भी जो है प्रॉपर रूप में नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारक है जो पढ़ाई को या अधिगम को प्रभावित करता है। और क्या कारण हो सकते हैं, तत्परता, तत्परता जो है वो भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कारण है कि जब तक आप रेडी नहीं होंगे किसी कार्य को करने के लिए, रेडीनेस, जब तक आप किसी कार्य को करने के लिए रेडी नहीं होंगे, अपने आप को तैयार नहीं करेंगे, तो आप कोई कार्य सीख नहीं सकते। मतलब सीख सकते हैं उस प्रॉपर वे में जितना आप, मान लीजिए आप एफर्ट कर रहे हैं, आपको सीखना 100 है और आप वहाँ तक का एफर्ट नहीं कर रहे हैं, आप 90 तक का एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन आप ये जानते हैं कि जितना भी आप जो है जोर लगाएंगे वो जो है उससे कम ही आपको क्या होगा, रिजल्ट प्राप्त होगा। आप 90 का कर रहे हैं, आपको गेन करना है 100, लेकिन आप क्या पा रहे हैं, 70-80 आप एवरेज पे आ रहे हैं। तो ये भी किस पे डिपेंड करता है, आपके रेडीनेस, आपकी तत्परता पे जो है अफेक्ट करता है। और दूसरा कारण क्या है, एक चीज़ और है, थॉर्नडाइक का सीखने का नियम, अभी आप लोग पढ़ाया जाएगा जब थ्योरीज ऑफ लर्निंग में पढ़ाया जाएगा, तो उसमें थॉर्नडाइक का जो है 3 नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है आपका, लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, और आपका तीसरा है लॉ ऑफ इफेक्ट। ये क्या है, प्रभाव का नियम, ये क्या है, अभ्यास का नियम, और ये क्या है, ये जो है आपके जो 3 नियम है ये बहुत ही ज़्यादा जो है सीखने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं। इसके जो है गौण नियम भी 5 हैं, वो है आपका सहचर्य का नियम है, आंशिक प्रक्रिया का नियम है, और पूर्ण जो है और इसके बाद आपका सहचर्य का नियम है। ये जो आपके 5 जो है आंशिक हैं वो भी सहायक होते हैं, लेकिन ये जो 3 जो है आपके इम्पॉर्टेंट है वो लॉ ऑफ रेडीनेस और लॉ ऑफ एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आपका लॉ ऑफ डिसयूज़ और एक आपका लॉ ऑफ यूज़, मतलब उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। सबसे पहले तो आप जब किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होंगे तब जो है, पहले तो आप कोई कार्य करना है, जैसे आपको पढ़ाई करना है, तो उसके लिए सबसे पहले आप क्या होंगे, तैयार होने की आपकी आवश्यकता है ना, कि हाँ मेरी कॉपी कहाँ है, बुक्स कहाँ है, हमें कहाँ बैठना है, कब तक पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें क्या है, रेडीनेस हैं आपको तैयार होने के लिए। जो आप पढ़ने से पूर्व जो क्रियाएँ करते हैं वो क्या करते हैं, तत्पर होते हैं किसी कार्य को करने के लिए। तो किसी भी अधिगम को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बालक को क्या होना है, तत्पर होना है, और यही जो है नियम जो है थॉर्नडाइक ने बताया है, तत्परता का नियम है। और दूसरा उन्होंने क्या बताया है कि जब बालक तत्पर हो जाता है किसी कार्य को करने के लिए, आप पढ़ाई करना स्टार्ट किए, सवाल लगाना स्टार्ट किए, अब उसको बार बार अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया आपका, अभ्यास करते करते आपको वो चीज़ आ गई, और वो चीज़ आ गई मतलब आपने उसका अभ्यास किया और उस चीज़ को, अधिगम को क्या किया, गेन किया, प्राप्त किया। लेकिन इसमें भी क्या होता है, लॉ ऑफ डिसयूज़, अगर आप एक लंबे समय तक उस चीज़ को यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, फार्मूला हुआ या कोई स्टेटमेंट हुआ या कोई जो है आपका कथन हुआ, बहुत सारे आपके कथन होते हैं ना विज्ञान में, आपको याद करने पड़ते हैं, जैसे जो आपके सार्वभौमिक
कथन होते हैं वो सारी स्टेटमेंट आप याद करते हैं ना, अगर उसको किसके द्वारा कहा गया ये भी सारी चीज़ें आप पढ़ते हैं। अगर एक निश्चित समय के बाद आप उनको रिपीट नहीं करते, उनको फिर से उनका प्रयोग नहीं करते, तो वो क्या होते हैं, भूल जाते हैं आप। तो ये थॉर्नडाइक ने बताया कि अगर आप किसी चीज़ को, किसी कार्य को लंबे समय तक नहीं कर रहे हैं, उनका उनको प्रयोग में नहीं ला रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, भूल जाएगा। और फिर लॉ ऑफ यूज़ भी इसी ने बताया, एक्सरसाइज में, अभ्यास में ही, अगर आप उसका बार बार अभ्यास किए जा रहे हैं तो वो आपके दिमाग में सदैव बना रहेगा। फिर उन्होंने बताया लॉ ऑफ इफेक्ट, जब आप तत्पर हुए काम किए और इसके बाद आप उसका प्रभाव आप पे देखने को मिलेगा, आप पे मतलब बालक पे, बालक पे क्या प्रभाव मिलेगा, दो प्रकार के प्रभाव देखने को मिलते हैं, कौन कौन से, निगेटिव और पॉजिटिव, है ना, दो प्रकार के प्रभाव मान लोग को दिए जाते हैं। एक तो आप लोग पुनर्बलन, आप लोगों ने सुना ही होगा कि जैसे ही मान लीजिए बालक से कोई प्रश्न करते हैं, आप लोग जाएंगे पढ़ाने, आपके टीचर देखा ही होगा क्वेश्चन करते हैं, तो एक तो उनको पुनर्बलन दिया जाता है कि बहुत अच्छा बताया, ये पहले ये निगेटिव पुनर आप फीडबैक, निगेटिव फीडबैक भी दिया जाता था, लेकिन इसको क्या किया गया, इसको रोका गया कि नहीं, बच्चा जो है गलत टूटी फूटी जो भी कुछ बता रहा है, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि आप गलत बता रहे हैं, आप उसको क्या कहेंगे, आप सही तक जा रहे हैं, बैठ जाइए, लेकिन आप इसको इस तरीके से बता सकते हैं। लेकिन जो है जब प्रभाव का नियम थॉर्नडाइक ने बताया, तो उसने बताया कि दो बातें देखने को मिल सकती है, बालक को जो कार्य किया है उसके दो परिणाम मिल सकते हैं, एक जो है उसका नेगेटिव परिणाम हो सकता है, नकारात्मक परिणाम, और दूसरा क्या, सकारात्मक परिणाम। अगर नकारात्मक होता है तो बालक फिर से जो है उसका क्या करता है, फिर से जो है उसको तत्पर होता है करने के लिए, या दो उसमें भी दो बातें आ जाती हैं, या तो बालक का निरस हो जाता है या तो फिर इंटरेस्ट और बढ़ जाता है उसे करने में। और वही चीज़ पॉजिटिव में अगर देखा जाए तो बालक क्या होता है, अगर आपने कोई सवाल करना स्टार्ट किया, सवाल का आंसर मिल गया, तो आप क्या करते हैं, बार बार उसको करने की कोशिश करते हैं, और वो क्या, ज़्यादा अधिगम करते हैं। तो इस प्रकार थॉर्नडाइक ने बताया कि ये जो तीनों आपके नियम हैं ये सीखने में बहुत ज़्यादा सहायक होते हैं, जो सारी विधियाँ आपको बताई गई उन सारी विधियों में इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा उपयोग है। ठीक है, इसमें कोई बात नहीं समझ में आई हो तो पूछें, ये दो चीज़ें आपको समझ में आई, एक तो आपका प्रभावित करने वाले कारक और दूसरा आपके क्या, विद्या, ये दोनों टॉपिक समझ में आए, इसमें से कुछ पूछना है, चलिए आज